देखो इससे पहले वाला पार्ट में हम थ्योरी बतलाए, अब उस पर आधारित हिसाब देखो। नदी की धारा की दिशा में, जरूरी नहीं है नदी दे एग्जाम में, ये देगा आंधी की दिशा में। जब आंधी आती है तो वही नौ धारा वाली बात हो जाती है। अगर पश्चिम से पूरब की ओर आंधी आ गई, रफ्तार चाहे 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो या 80 किलोमीटर हो या जो भी हो, पश्चिम से पूरब की ओर आंधी जा रही है और पूरब से पश्चिम की ओर कोई साइकिल सवार जाएगा तो ऐसी हालत में क्या होगा? आंधी का विरोध उसे बर्दाश्त करना होगा जी। अगर आंधी की दिशा में जाएगा तो आंधी की शक्ति उसके साथ होगी, यानी आंधी की चाल जोर साइकिल सवार की चाल। तो एक थ्योरी समझ जाने का मतलब नौ धारा वाला रहे या आंधी तूफान वाला रहे तो उसी टाइप से बनेगा। तो देखो नदी की धारा की दिशा में नाव की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो माना कि एक बात और बतला देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पढ़ो तो नदी की धारा की दिशा में नाव की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, है ना? तो धारा एवं शांत जल में नाव की चाल निकाले, शांत जल में नाव की चाल, इसका अर्थ ये हुआ धारा नदी में तो नाव की चाल या तो धारा की दिशा में जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा धारा की चाल, विपरीत में जाएगा तो धारा की चाल घट जाता है। तो नाव का जो चाल निकलेगा तो अस्थिर जल में ही हमेशा निकलता है। अगर नदी में नाव जिस रफ्तार से धारा की दिशा में जा रहा है तो यहाँ उसकी अपनी चाल में जुट रहा है, जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की चाल जुट रहा है, अब विपरीत में जाएगा तो धारा की चाल घट रहा है। लेकिन शांत जल में नाव की जो चाल होगी उसी चाल से न नदी में भी जाएगी। तो यहाँ सिर्फ ये रहे जो जल में नाव की चाल निकाले या शांत जल में, बात एक ही हुआ, नाव की अपनी चाल, उसी में किसी का चाल नहीं जुटा रहे तो नाव चलती कहाँ है? स्थल भाग पर कि जल भाग में? जल। तो नाव की चाल जब कहीं पर दिया रहे सिर्फ नाव की चाल, तब समझ जाना शांत जल में न नाव की चाल। नदी की धारा के साथ नदी में तो नाव की चाल बदलेगी, धारा की दिशा में जुटेगा, धारा के विपरीत में घटेगा। तो जब भी सिर्फ नाव की चाल की चर्चा हो तो समझ जाना शांत जल में ही नाव की चाल की चर्चा हो रही है, समझा? तो अर्थ ये हुआ, मान लेंगे नाव की चाल, नाव की चाल का अर्थ हुआ शांत जल में ही नाव की चाल होती है, स्थल भाग पर नाव चलती नहीं है। माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, तो नदी की धारा वाली बात है तो धारा के अनुकूल अनुकूल का मतलब धारा की ओर, अब प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, लिख दे पोस्ट में कि याद रह जाएगी बात, धारा के अनुकूल या ओर नाव की चाल कितनी होगी? धारा के अनुकूल, धारा की ओर, तो जल धारा साथ देगा इसको अपने बल से, उसकी गति को बढ़ाएगा, यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल, थ्योरी अभी तुरंत बतलाए हैं, नाव की चाल में जुट जाएगा धारा की चाल, नाव की चाल जोर धारा की चाल। बराबर नाव की चाल कितनी है?
माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों समान पद है ना, किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस 5, ये मान लो, ये 6 मान लो, तो 5 6 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरह से समझो किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन निकाल लिए, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें दिया ही है नाव की चाल, माने क्या नदी की धारा की दिशा में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, मानने वाली बात नहीं है। तू लोग लिखा नहीं ना अभी नाव की चाल, यानी प्रश्न में ही है, लिखेंगे प्रश्न से नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल नहीं दिया है, ठीक है लिखे थे। रुको, माना नाव की चाल, देखो धारा के साथ दिया है, धारा के विपरीत में, तो नाव का अपना चाल तो नहीं रहा, धारा के साथ अनुकूल, यानी नाव की चाल धारा के अनुकूल कितना होगा, नाव की अपनी चाल जोड़ धारा की चाल, तो माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, सर क्वेश्चन में दिया है नाव की चाल बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यहाँ देखो ना, नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में, समझ रही है, ये नहीं है जो पोखरा में तालाब में या झील में जहाँ पानी अस्थिर है, समझ रहे हैं ना बात, तो नदी की धारा की दिशा में नाव की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, उस दिशा में तो नाव की चाल अकेली थोड़ी उसको साथ दे रहा है नदी का जल धारा, वो जुट जाएगा उसका, है ना इसी बात। तो इसको समझा, माना कि नाव की चाल, इसमें इसका अर्थ हुआ सिर्फ नाव की चाल जी, तथा धारा की चाल यानी सिर्फ धारा की चाल, तो धारा के अनुकूल या और नाव की चाल बराबर धारा की चाल, धारा के अनुकूल लिख दिया है ना जी, तो नाव की चाल जोड़ धारा की चाल, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर इतना। तो देखो अब फिर मिलाओ, नदी की धारा की दिशा में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में नाव की चाल का मान दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख सकते हैं नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हम लोग एक्स वाई माने हैं तो हम लोग को एक्स प्लस वाई किलोमीटर निकला है, इसको लिख सकते हैं और x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा को आगे ले जाएंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना है ना बटा किलोमीटर प्रति घंटा, ये कट गया बन गया 7, इसलिए x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण। यहाँ तक तू लोग समझे, चलो उतारो तो इसको। तो पहला समीकरण हम लोग को प्राप्त हो गया है x प्लस वाई बराबर 7 हुआ है ना, पहला समीकरण पुनः। अब देखो दिया हुआ है धारा के विपरीत नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिया हुआ है पुनः प्रश्न से, धारा
या 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल होगा कितना? धारा की चाल माइनस धारा की चाल बराबर, ये तो बन गया समीकरण इसका, धारा की चाल माइनस नाव की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल कितना माने है? माना कि धारा की चाल में से घटेगा नाव की चाल, सब हम यहाँ मिला दें, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल कितना माने है? x किलोमीटर माइनस y प्रति घंटा। नाव धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन निकालेंगे तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस y बराबर 3 किलोमीटर बटा किलोमीटर प्रति घंटा, ये कट गया। x माइनस y बराबर 3 समीकरण 2। कितना तक समझे? करो उत्तर। देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x प्लस y बराबर 6 है, x माइनस y बराबर 3 जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, x x 2x और 7 3 10, इसीलिए x बराबर 10/2 बराबर 5 होगा जी। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर कितना आएगा? समीकरण को तू लोग अब खुद की बजा कर हल कर लेना चाहिए। x प्लस y बराबर 7 और x का मान 5, इसीलिए y बराबर 7 माइनस 5 बराबर 2 हुआ ना जी। अब यहाँ समझ लो, x हम लोग किसको माने हैं? नाव की चाल, तो x के जगह तू बैठा करके देखोगे 5, तो यहाँ 5 बैठाएंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। अंत में लिखेंगे अतः नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x के जगह मान दे दो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, y का मान आया है 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल माने हैं वाय, तो नाव की चाल और धारा की चाल निकल गया। इसको तू लोग समझा था से, इस पर आधारित कुछ और हिसाब बतला करके इसके बाद जो है बुक का चालू करेंगे जी।